फेस्टिव सीजन चल रहा है, देखते हैं कुछ ऑफर में मिल जाए तो अच्छा है। One hour later. अरे ये प्रोडक्ट तो अभी उस वेबसाइट पर था, यहाँ कैसे? अगर आपके फ़ोन में किसी कंपनी का स्पैम कॉल, मैसेज या ईमेल आया हो तो आप समझ जाइए उस कंपनी के पास आपका डेटा पहुँच चुका है। और डेटा लीक होना कितना डेंजरस है हमने कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल में देख ही लिया है, जहाँ 5 करोड़ यूजर्स के डेटा को लेकर उन्हें पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस किया जा रहा था, जहाँ एक पार्टी के लिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ दिखाया जा रहा था, वेर दूसरी पार्टी के लिए उन्हें नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया जा रहा था। तो चलिए देखते हैं गूगल और फेसबुक जैसे कंपनीज हमारे डेटा से पैसे कैसे अर्न करती हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू क्यूरियस विंग, वी आर हियर टू गिव विंग्स टू योर क्यूरियोसिटी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो कंपनीज हमारे डेटा के साथ कर रही है वो सही है या गलत। क्या आपने डेटा ब्रोकर या डेटा सर्विस प्रोवाइडर के बारे में सुना है जो हमारे डेटा को किसी थर्ड पार्टी को सेल करती है? एंड्रॉयड, जिसे गूगल ने 2005 में एक्वायर कर लिया था। तो गूगल क्या रोल प्ले करता है हमारे डेटा के साथ? टिकटॉक का एल्गोरिदम चाइना और बाकी कंट्रीज़ के लिए अलग डिज़ाइन किया गया है। सो व्हाट्स इंडिया स्ट्रेटजी टू प्रोटेक्ट यूजर्स डेटा? एंड फाइनली व्हाट्स द सॉल्यूशन? तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना क्योंकि आई एम श्योर कि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो लेट्स सी व्हाई डू कंपनीज कलेक्ट आवर डेटा एंड हाउ। एक चीज़ जो हम सभी ने ऑब्जर्व की होगी कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट को किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी टी शर्ट को मिंत्रा पर देखी हो, अब उस टी शर्ट की रिकमेंडेशन आपको अलग अलग एप्लीकेशन पर आना शुरू हो गई होगी, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब। और ऐसा नहीं है कि वो कंपनीज हमसे परमिशन नहीं लेती। जब भी हम किसी न्यू वेबसाइट पर जाते हैं वो वेबसाइट हमें कुकीज़ के फॉर्म में पॉपअप शो करती है और जिसे हम कभी पढ़ते नहीं हैं। और उस लंबे से प्राइवेसी पॉलिसी में कहीं छोटा सा मेंशन किया होगा, वी डू नॉट शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू थर्ड पार्टी अनलेस यू गिव अस दी परमिशन, और हम उसे हमेशा अलाउ कर देते हैं और जिसका कॉन्सिक्वेंसेस हमें बाद में दिखाई देते हैं। और ऐसा नहीं है कि कंपनीज हमारे डेटा हमेशा किसी को सेल करने के लिए कलेक्ट करती है। कुछ केसेस में ऐसे भी होते हैं कि कंपनीज हमारे डेटा कलेक्ट तो कर लेती है पर लेकिन यूजर्स एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम अमेजोन की वेबसाइट पर गए, ऑल दो वहाँ पर कई सारे प्रोडक्ट हैं पर फिर भी वो हमें वही प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं जो कि हम लास्ट टाइम विजिट किए होते हैं। क्यों? ताकि हम किसी दूसरे प्रोडक्ट में अपना टाइम वेस्ट ना करें। सो इस एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि अमेज़ॉन ने हमारे डेटा के हेल्प से यूज़र एक्सपीरियंस को कैसे इम्प्रूव किया है। तो चलिए देखते हैं कि कंपनीज हमारे डेटा को यूज़ करके अर्न कैसे करती है। आपने डाटा ब्रोकर या डाटा सर्विस प्रोवाइडर जैसे टर्म्स के बारे में सुना ही होगा। ये उन कंपनीज के लिए यूज़ किया जाता है जो हमारे डेटा को किसी थर्ड पार्टी को सेल करती है। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में हमने कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल के बारे में बात किया था, जो कि 2016 US प्रेसिडेंट इलेक्शन के समय की बात है, जहाँ 5 करोड़ यूजर्स के डेटा की मदद से उन्हें पॉलिटिकली मैनिपुलेट किया गया था सो दैट दे कैन चेंज देयर डिसीजन। अगर आपको इस स्कैंडल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो। इतना ही नहीं बल्कि हमारे ब्राउज़र हिस्ट्री, यूट्यूब हिस्ट्री और लोकेशन की मदद से हमारे पड़ोसी से भी ज़्यादा गूगल हमारे बारे में जानते हैं। तो क्या आप जानते हो एंड्रॉयड को गूगल ने 2005 में $50 मिलियन में ही एक्वायर कर लिया था, और अक्रॉस द ग्लोब 65-75% यूजर्स ऑफ द मोबाइल फोन्स आर दी एंड्रॉयड यूजर्स, विच रियली हेल्प्स द गूगल टू ट्रैक योर डेली एक्टिविटी इवन दो यू आर नॉट यूजिंग द गूगल एप्लीकेशन। और अगर आप जानना चाहते हो कि गूगल आपके बारे में क्या क्या जानता है तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कर उसे देख सकते हो। पहले आप सेटिंग में जाइए, फिर गूगल पर क्लिक कीजिए, फिर मैनेज योर गूगल अकाउंट, फिर डेटा एंड प्राइवेसी में जाइए, फिर आप नीचे स्क्रॉल कर देख सकते हैं जैसे वेब एन ऐप एक्टिविटी, लोकेशन हिस्ट्री, यूट्यूब हिस्ट्री, ये सब में आप देख सकते हो कि गूगल आपके बारे में क्या क्या जानता है। और इन ऑप्शंस में जाकर आप उन हिस्ट्री को डिलीट भी कर सकते हो और आज के बाद गूगल आपके डेटा को यूज़ ना करे उस ऑप्शन को पॉज भी कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ डेटा और उन डेटा के साथ कंपनीज हमारे कौन कौन से इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रही है वो भी देखते हैं। पर्सनल डेटा, जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे पर्सनल डेटा को ट्रांसफ़र करता होगा, सच एज नेम, जेंडर, सोशल सिक्योरिटी नंबर, आईपी एड्रेस। सेंसिटिव डेटा, जो कि पर्सनल डेटा के अंदर ही आता है, विच इंक्लूड्स ओरिजिनल कॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट जो कि हम कॉलेज या बैंक में सबमिट करते हैं। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सच एज बैंक अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर और हमारे बायोमेट्रिक डेटा सच एज फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन जो कि फ़ोन अनलॉक करने के लिए कंपनी स्टोर करती है। और थर्ड और लास्ट टाइप ऑफ डेटा है बिहेवियरल डेटा, जो कि हमने अमेज़ॉन के एग्जांपल से समझ लिया है, जो कि हमारे परचेज हिस्ट्री, मूवमेंट और नेविगेशन उस वेबसाइट पर ट्रैक करती है। टिकटॉक, जिसे चाइना में डुइन के नाम से जाना जाता है, एज़ पर ट्रिस्टन हैरिस टिकटॉक का एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि चाइना जिन्होंने इसे बनाया है वहाँ सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ ओरिएंटेड कंटेंट दिखाया जाता है, सच एज साइंस एक्सपेरिमेंट, पैट्रियाटिक वीडियोज़ एक्सेट्रा, एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़।
TikTok is effectively controlled by the government of China. But what's interesting is that the TikTok that Chinese residents, children in China, get to see is very different from the one your kids are looking at here. क्या इंडिया में ऐसा कोई लॉ है जो यूजर्स के डेटा को प्रोटेक्ट रखता है? To be honest, currently India does not have any comprehensive and dedicated data protection legislation. But IT Act 2000 and 2011, that is SPDI rule, हमारे पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट रखता है. लेकिन as per the news, इंडिया में नया डेटा प्रोटेक्शन लॉ जल्दी आने वाला है. 2019 में पीडीपी बिल प्रेजेंट किया गया था, जो कि अगस्त 2022 में विड्रॉ कर लिया गया है. जीडीपीआर से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो चलिए देखते हैं कि हम अपने डेटा को कंपनी से कैसे प्रोटेक्टेड रख सकते हैं. ब्रेव ब्राउज़र, जो कि गूगल का बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है, इस ब्राउज़र के थ्रू आप सभी कुकीज़ को ब्लॉक भी कर सकते हो, एज वेल एज आप अपने ब्राउज़र को ट्रैकर से बचा भी सकते हो. और इन ऑप्शन की मदद से आप टोकन्स भी अर्न कर सकते हो, जिसे आप बाद में रियल मनी में कन्वर्ट कर सकते हो. और भी कई ऑप्शन है, सच एस VPN की हेल्प से भी आप ट्रैकर से बच सकते हो, ब्राउज़र एक्सटेंशन की मदद से भी आप ट्रैकर से दूर रह सकते हो. और अगर आप किसी अनवांटेड वेबसाइट पर जा रहे हो और अगर वो आपका मेल मांग रहा है, तो आप टेलीग्राम पर जाकर dropmail.me सर्च करके आप टेम्प्रेरी मेल्स भी ले सकते हो. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. तो ये था मेरा एफर्ट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट इन द सोसाइटी. अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला हो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, सो दैट YouTube इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक प्रमोट करे. और अगर आपके मन में कोई भी क्यूरियस टॉपिक हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, सो दैट वी कैन गिव विंग्स टू योर क्यूरियोसिटी.